मुजफ्फरपुर के बहुत चर्चित एक यादगार जो हम खड़े हैं, ये शहीद खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 का एक उनका स्मारक है, सीधा देख सकते हैं आप। पहली बार हमारे चैनल से देखेंगे, मुजफ्फरपुर यानी बिहार राज्य का एक उत्तरी बिहार में जगह है। यहाँ पाए देखें कि बहुत से लोग, काफ़ी लोग अपनी मांगों के लिए यहाँ लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि जहाँ ये लोग बैठे हैं वो खुद आत्मा के पास बैठे हैं, अगर इनकी मांग होगी तो जायज मांग होगी। हम सीधा लेते हैं, नाम बताएंगे अपना। तो हमारा नाम अमरिंदर तिवारी, वार्ड सदस्य पंच संघ के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। क्या आपकी क्या मांग है, इतने लोग बैठे हैं आप इनके सामने, शहीद खुदीराम बोस के आपको उनकी यादगार स्मारक के सामने क्या कहना आप? आज हम लोग को जीते हुए 15 महीना हो गया, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रतिनिधि है जिसको शपथ ग्रहण के 15 महीना तक चार्ज नहीं मिला हो। शपथ ग्रहण लेते हैं सभी आदमी को चार्ज मिल जाता है, लेकिन आज तक वार्ड सदस्यों को झुंझुना के अलावे कुछ नहीं मिला। हम डीएम को 27/5/2022 को दिए हुए थे कि हम लोग को मानदेय का पूरा पैसा मिलना चाहिए, अनुरक्षक का पूरा भत्ता मिलना चाहिए और हम लोग को खाता ट्रांसफर होना चाहिए। पंचायत में कहीं भी अस्थायी समिति का निर्माण नहीं है। राष्ट्रपति शासन 6 महीना से ज़्यादा कहीं लागू करने का अधिकार नहीं है। 20 साल से हमारे पंचायती राज में राष्ट्रपति शासन कैसे लागू है, या आप लोगों के माध्यम से हम पदाधिकारी और माने सरकार से पूछना चाहते हैं। डीएम को 27/5/2022 पहले स्पष्ट के किस जिले की बात? यह मुजफ्फरपुर जिला का है, लेकिन लगभग यह पूरे बिहार का यही स्थिति है। तो हम लोग डीएम को दिए हुए थे कि अस्थायी समिति का निर्माण, खाता ट्रांसफर, अनुरक्षक का प्रमाण पत्र, अनुरक्षक का भत्ता, एमवी बुक, ये सब काम करवाया जाए। डीएम साहब जो है डीपीआरओ को दिए, डीपीआरओ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र संख्या 1651 दिनांक 3/6/2022 को आदेश किए कि जांचों उपरांत इन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन आज तक किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद फिर पुनः हम लोग डीपीआरओ को दिए कि या तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को 8 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दीजिए, और नहीं तो वरीय पदाधिकारी से उनके विरुद्ध कार्रवाई का आग्रह कीजिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पुनः 23 तारीख को हम लोग जिला पदाधिकारी को मांग पत्र दिए थे कि 27 तारीख तक अगर हम लोग के मांग पर विचार नहीं हुआ, आज होली, छठ और ईद सभी बीत रहा है, लेकिन मानदेय का हम लोग का पूर्व का पैसा बाकी है और 15 महीना से पुराने वार्ड मेंबर नल जल चला रहे हैं, 15 महीना नया वार्ड मेंबर का हो गया, जितना गधा वाला काम होता है से वार्ड मेंबर से कराया जाता है, और हम लोग को न अनुरक्षक का भत्ता दिया गया, आज तक कोई चार्ज नहीं दिया गया। डीएम साहब को हम लोग दिए थे कि 27 मार्च तक अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कल 27 मार्च था, आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग आज एक ज्ञापन दे रहे हैं कि 8 अप्रैल को हम लोग बृहद पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष और 11 विधायक, दोनों सांसद और दिनेश सिंह को हम लोग निमंत्रण करेंगे कि अगर मांग हमारा संवैधानिक है तो इसको हमको दिलवाने का कष्ट किया जाए, अन्यथा फिर हम लोग कोर्ट का शरण लेंगे। इसलिए आज हम लोग विचार विमर्श के लिए सभी प्रखंड अध्यक्ष लोग को बुलाए हैं और 10 प्रखंड अध्यक्ष में 6 प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं और लोग को विभिन्न विभिन्न कार्य हुआ है। फिर हम लोग प्रखंडे प्रखंडे बैठक करके और 8 अप्रैल को ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करेंगे। मांग की कॉपी है बस कोई नहीं, ऐसे हम बताइए क्यों दिखाएंगे, ये एविडेंस के तौर पर ये आपके सामने पेपर है जो दर्शाता कि इन्होंने जो कहा सारी बातों के इसमें उल्लेख है। हालांकि इसे रिक्वेस्ट करेंगे कॉपी हमको दे दें। बस आश्चर्य होता है कि इस सुशासन में जिस तरीके से जो स्फूर्ति होनी चाहिए जेडीयू और आपको राजद के मिक्सिंग में, लेकिन इस तरह से जब आपका जो बेस है, जो ये डेवलपमेंट का या जो भी विकास का जो बेस है, जो यही लोग हैं,
अगर इनकी रीढ़ कमजोर हो जाएगी तो कैसे होगा काम, सवाल खड़ा होता है। ये हम चाहेंगे कि इनकी बातों में काफ़ी दमखम है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, जितनी बातें उन्होंने कहा सब सरकारी मदों से रिलेटेड है, ये कोई जो भी है तो जनहित में इनका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है। ये पहला अनूठा हमने देखा इस तरह का सवाल उठाने वाले को। हम भी ये भी चैनल हम भी इनके साथ हैं, मांग करते हैं कि इनके द्वारा दिए गए तथ्यों पर जांच की जाए और जिला पदाधिकारी हम चाहेंगे जो यहाँ के हमारे वीडियो पर संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें ताकि ये लोग भी लय में आए और सरकार का काम हो। इन शब्दों के साथ फिर वापस होते हैं, फिर मिलते रहेंगे। जय।